देखा सरब जी जी, कैसी पक्की दोस्ती हो गई है दोनों की। मुझे तो लगता है कि परम को डॉक्टर आदित्य बहुत पसंद है। हेलो, पाठी जी का फोन आ गया। आज सारे इकट्ठे बैठ के सुनाएंगे। मैम, मैं बेबी को देखती हूँ। हाँ जी, थैंक यू। चले या लेट्स गो। सत श्री अकाल पाठी जी। सत श्री अकाल पाठी जी। सत श्री अकाल जी। हुक्मनामे के अनुसार अखर निकलिया है। कक्का। थैंक यू सो मच पाठी जी। थैंक यू पाठी जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कक्का, तो कैसे सारे नाम सोचो। दी ना तो तुसी रखना ना, तुसी सोचो। ऑफ कोर्स, मैं हुने दसनी हूं कुछ। अब कैसे करतार सिंह गिल। करतार सिंह गिल। करतार सिंह। कुछ और सोचिए। कुछ और सोचते हैं। पापा, फीफा पैम भी छोटे बेबी का नाम सोच सकता है। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, आजो इकट्ठे सोचते हैं। कैसे कैसे। माँ बाप तो अपने बच्चों का नाम सोच के रखते हैं, आप लोगों ने नहीं सोचा? कैसे कैसे। ओए, इतना क्या सोच रही है मेरे गोभी दे परोंठे। कुड़ी होगी ना, उसका नाम रख देंगे सिमरन, और मुंडा हुआ तो करण। करण। थैंक यू अदिति आंटी। दी, करण, ये में लग गया नाम? हाँ, बहुत बढ़िया नाम है। वेल, वेस, वेरी नाइस महर्षि। वाओ, करण, देखिया दी तुसी, मतलब जिन दोनों दी वजह नाल आज मेरा बांदरू इस दुनिया विच है, उन दोनों ने मिलके एक साथ उसका नाम रखा है, करण। ओए, ओए, तो ये डिसाइडेड है। मेरे दूसरे मुंडे का नाम होएगा करणजीत सिंह गिल। अजय जी, सबके लिए मिठाई लाइए, सबका मुंह मीठा कराइए। यस, करणजीत सिंह गिल, नाइस नेम ब्रो, कांग्रेचुलेशन। कोई बेबी को तो लेके आओ, उसके कान में पहली बार नाम कौन फूकेगा। ओ बच्चे दा प्यो, मैं करणजीत सिंह गिल, माय सन, और मुंडा हुआ तो करण। मेरे दूसरे मुंडे का नाम होएगा करणजीत सिंह गिल। नहीं। करण नाम नहीं होगा। लेकिन महजी, आपने तो नाम रखा है। मैं वो तेरा फोन स्विच ऑफ है कि? क्यों? लियाम साहब का मैसेज आया है, उन्होंने फोन कर। सीएम का मैसेज? मैंने कुछ गलत बोल दिया, आपने करण नाम लिया तो मुझे सुनते ही बहुत भाग गया, इसलिए मुझे लगा कि आपको भी। देखिए महर जी, आप नहीं महर जी, देखिए बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। इनफैक्ट मैंने अपने आप से वादा भी किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए,
लेकिन मैं आपके माथे पे एक शिकन तक नहीं आने दूंगा बहन जी। और ये आंसू, आपको करण नाम नहीं पसंद ना, तो कोई बात नहीं, हम कोई और नाम रख लेंगे। लेकिन आप प्लीज रोइए मत। मैं ठीक हूं। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन ये जो आपकी खूबसूरत आंखों में ये जो काजल है ना, ये आपके आंसुओं के साथ बहता बहता आपके गालों की जो लाली है ना, उसको काला कर रहा है। इसलिए आप हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। इसलिए जो खूबसूरत आंखों में काजल है ना, आप प्लीज इसे दोबारा से लगा के नीचे आ जाइए। हम सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। फिर से बांद्रू का कोई और नाम रख लेंगे, आपकी पसंद का। ये देखिए, अपना बांद्रू भी पूछ रहा है कि पापा मम्मा मुझे हमेशा ऐसे बेनाम रखेंगी। और भाई शू शटा, कोई मेरा भी नाम रख लो, है ना। चलिए मैं जी फटाफट से नीचे आ जाइए। ओके, ऑल वेल ना? यस, एवरीथिंग इज फाइन। वो बस अब मेहर का भी ना कुछ समझ नहीं आता, अभी खुद ही नाम सजेस्ट करके और अब खुद ही मना कर रही है। सॉरी हरलीन जी, बट मुझे भी अभी अभी न्यूज अपडेट आई है। क्या ये सच है? हाँ, ये न्यूज तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे भाई को कोई फंसा रहा है। उसकी कोई गलती नहीं, बट प्लीज अतिथि जी, आई रिक्वेस्ट यू कि मेहर को इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता ना चले, क्योंकि आज ही उसके बच्चे का नामकरण है। तो उसके बच्चे का? यू मीन मेहर और सरबजीत जी के बच्चे का? राइट, ऑफ कोर्स। बस मेहर को कुछ मत बताइएगा, क्योंकि अगर मेहर को ये सब पता चल गया तो यू नो ऑलरेडी सरब इतना टेंस है और मैं सरब को अटेंशन नहीं देख सकती। आप बहुत प्यार करते हो अपने भाई से। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर कोई इसे तकलीफ देना तो मैं उसकी जान ले। आपको करण नाम नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम कोई और नाम रखेंगे। अजीब लड़की है तू भी, या तो जो सोचती है वो बोल दिया कर, या फिर जो बोल दिया है उसके बारे में सोचा मत कर। फैसला भी तेरा और नाराजगी भी तेरी। तूने एक बार भी उस बात पर ध्यान दिया जो सरबजीत जी तुझे अभी अभी कहकर गए? यही कि करण नाम सुनते ही उन्हें भाग, मतलब उनकी पसंद भी यही हो। और यही पसंद मानव की भी थी। ओ मानव, मुझे तो लगा था कि तू तो उसकी सारी यादें नदी में बहा आई थी। नदी में यादों को नहीं, महर को बहा के आई। मेहर को जो मानव से प्यार करती है, और वो मेहर मेरे लिए मर चुकी है। ये मेरा नया जन्म है,
नई जिंदगी है मेरी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी पुरानी जिंदगी की परछाई भी मेरी इस नई जिंदगी पे पड़े। नहीं मेहर, झूठ कह रही है, क्योंकि सच तो ये है कि आज तक तू मानव को कभी भुला ही नहीं पाई, आज भी तेरे दिलो दिमाग में वो है। सच तो ये है कि तेरे दिल में मानव के अलावा और किसी की जगह कभी हो ही नहीं सकती, सरबजीत जी के लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम जानती क्या हो सरबजीत जी के बारे में? हाँ, इंसान नहीं है वो, रब है मेरे लिए, रब। बिना एक बार भी सोचे उन्होंने मुझे अपनाया, मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, इस परिवार का हिस्सा बनाया। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती। अच्छा, चाहे बच्चे का नाम करण ही क्यों ना रखना पड़े। हाँ, क्योंकि ये बच्चा उनका ना होते हुए भी सबसे ज्यादा उनका है। जितना इंतजार इस बच्चे का उन्होंने किया, जितनी हिफाजत इस बच्चे की उन्होंने की है, ये तो मैं भी नहीं करती। तू वाकई बदल गई है मेहर, तूने ठीक कहा, तूने मानव और उसकी यादों को नहीं, मानव को प्यार करने वाली मेहर को बहा दिया। वो मेहर ही नहीं रही तो अब मेरा यहां क्या काम? करणजीत सिंह गिल, अगर उसे करण नाम पसंद नहीं है तो एदे विच की फर्क पैंदा है? कैसे इतने सारे और नाम है, कोई भी नाम रख लेंगे, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? आहो पापी, ना रखता है करण, करणजीत सिंह गिल। ओए मुबारका जी, मुबारका 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 मुबारका। करणजीत सिंह गिल नाम रखा है बच्चे का, करणजीत सिंह। ओए बल्ले, ओए पाजी वाह, ओए सदके जाओ, ओ पाजी वाह, ओ पाजी वाह, ओ पाजी वाह। ओ मैंने तुम सबको बोला था ना, ओ याद है मेरी बात? आखिर उस सपोले को सरबजीत सिंह गिल का नाम मिल ही। वंडरफुल जी वंडरफुल, आज मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने जो चाह जैसा चाह वैसा ही। ओ एनु केंदे ने सोच प्लानिंग, सरपंच कुलवंत कौर अपनी तकदीर खुद बना दी। बंद हो गया सांप का बिल, सपोला बन गया किल, कहानी खत्म, ते अगले पिछले राज दफन। What happened, Rani? दफन? किनू दफन करना मम्मी जी? तेरे कान बड़े ही बजते हैं। ओ मैं दफन नहीं किया, जशन किया जशन। ओ मेहर ने अपने बच्चे का नाम करणजीत सिंह गिल रखा है। हाँ।
ढोल बजाओ, भंगड़े पाओ, ऐश करो, किथे ढोल करंजीत सिंगल, किथे ढोल मेरा। Anything interesting? कुछ खास नहीं सर, बस बेसिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है। ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे ये भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। That's why I really love my job. Job में मैंने गूंगों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। और भाई साहब की तो बहुत ही लंबी जबान है। ये तुम्हारे बॉस सरबजीत सिंह गिल के स्विस बैंक के अकाउंट की डिटेल्स तो होंगी तुम्हारे पास। इतना बड़ा स्कैम किया है, करोड़ों का घोटाला किया है, अब इतना पैसा घर पर तो रखा नहीं होगा। Am I right? Details. जी सर, यस सर, सर। भाई साहब की ससुराल से फोन था, उनके जाने का वक्त आ गया है, जाइए। मुझे तो तुम भूलने से रहे, पर ये जो सवाल मैंने पूछा है ना, ये बिल्कुल मत भूलो। जाके पूछना अपने बॉस सरबजीत सिंह गिल से उसके स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल, ताकि कल को उसके पास इसका जवाब तैयार। जाके ससुराल छोड़कर आओ। जी सर। 5, 4, 3, 2, 1। मैं जानता था कि आप मुझे फोन जरूर करेंगे अपने तरकश के लिए, इसीलिए मैंने उसे डिटेन किया था। आपके तर्कश ने तो कुछ नहीं बोला, कम से कम आप तो हेलो बोल दीजिए। हेलो। अब आपने हेलो बोलने के लिए तो फोन किया नहीं है, जिस काम के लिए फोन किया है बताइए। जी हाँ, आपको वेलकम करने के लिए किया। पहले आप हमारे शहर में आए, मोस्ट वेलकम टू अमृतसर मिस्टर दीवान। वेलकम तो मुझे आपका करना है मिस्टर गिल, बस एक सही वक्त का इंतजार है। वक्त कभी किसी का हुआ है विक्रम जी? आज आपका, कल मेरा और परसों किसी और। कल किसने देखा है गिल साहब, और आप तो परसों तक पहुंच गए। पहुंच काफी ऊपर तक है आपकी। मतलब सैगल साहब का फोन आ गया आपको? फोन आया तभी तो आपके तर्कश को छोड़ दिया, मगर इस खेल में ये आया गया ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला। पहले से धमकी समझो या चेतावनी समझिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है विक्रम दीवान जिस केस की इंक्वायरी करता है उसमें सच सामने लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, मैं इस इंक्वायरी में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ मिस्टर गिल, और ऑप्शन ही क्या है आपके पास? पता नहीं क्यों मिस्टर दीवान, लेकिन आपकी बातों से मुझे अहम की बू आ रही है, और आपकी बातों से डर। डरते चोर है मिस्टर दीवान, मैं तो जब भी आपसे मिलूंगा आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। शतरंज खेलते हैं आप? हाँ, क्यों? क्योंकि शतरंज का खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक सामने वाला शय और मात दोनों ना दे। यहां तो मैं आपको दोनों ही देने आया हूं, शय और मात। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर दीवान कि शय कौन देता है
और मात किसकी होती है। जल्दी मिलना पड़ेगा आपसे मिस्टर गिल। सेम है।